तारीख है 6 जुलाई 2022, समय हो गया है 02:37। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। आज पता है क्या, आज पाकिस्तान के अभी थोड़ी देर पहले जितने भी वहाँ के लॉयर एडवोकेट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह थे ना, सब उन सबका रॉकेट बन गया सू। और इसी के साथ मैं अपनी फुल टू विक्ट्री शो करता हूँ। मैंने भारत सरकार, मतलब भारत की नई डेफिनेशन जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, आर्मेनिया, अजरबैजान, जम्मू कश्मीर, पख्तूनख्वा, आपका सिंध, बलूचिस्तान, वेस्टर्न पंजाब, इन सब का केस जीतते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डिग्री ले ली भाई साहब। 400 मिलियन US डॉलर में। डिग्री ले ली, डिग्री 400 मिलियन US डॉलर पेमेंट कर दी ICJ में। आर्ग्यूमेंट नहीं है इनमें से किसी के पास। और नेपाल के सभी, वहां के संसद से और वहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से कहा। मैं जिस एरिया की बात कर रहे हैं, नियर टू माउंट कैलाश के पास, जो चाइना जिस एरिया में अपना क्या कहते हैं, जहाँ उसने कुछ कनाल सिस्टम बनाया ना, हम खाली करा देंगे। JSR सिक्योरिटीज नेपाल के पास, नेपाल में जो नियर टू माउंट कैलाश चाइना जो कनाल सिस्टम बना रहा है, चाइनीज कनाल इन नेपाल टेरिटरी, खाली कराओ उनसे। चलो भाई चलो। जम्मू कश्मीर इंक्लूड भी, अरे आर्मेनिया अजरबैजान तक की डिग्री ले ली भाई साहब। डिग्री मतलब, डिग्री से प्रॉपर्टी की होती है, लैंड की, मालिकाना हक ले लिया मैंने। आर्गुमेंट नहीं है कोई इनके पास। जवाब क्या दोगे, बोलोगे क्या, मैं भी तो सुनूं। अब अगर पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाना है वहां पे और पाकिस्तान न्यूज चलानी है, तो आप वहां से खाली कर दो भैया। दैट लैंड इज कम्प्लीटली भारत। अब आप अगर न्यूज में ऐसा करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। पर मैं बहुत पोलाइट जेस्चर यूज करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप लोग जो है ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस ऑर्डर का को जो है मानिए, और रही है, मना नहीं है, सर वो भारत सरकार है वहाँ पे, ठीक है, और मैं हूँ भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760। समझ में आ गई, तो अब वहाँ पे आप पाकिस्तान वाकिस्तान बोलना कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नाम बदल दिया जाएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी नाम बदल दिया जाएगा, इन पॉलिटिकल पार्टीज के हम नाम बदल देंगे जितनी भी है, पाकिस्तान नाम के सारे बोर्ड चेंज होने शुरू हो जाएंगे। हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है, अब आप फ्लैग चांद सितारा नहीं लगा सकते कहीं पे भी। ले ली सर डिग्री, हो गई। रात भर इसीलिए तो जागा रहता हूँ, इसी समय तो ICJ खुली होती है वहां पे। अभी करीबन 12:30 बजे करीबन
डिक्री ऑर्डर हो गए बना दी जी। हाँ सर, वर्ल्ड बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी मैंने अपने अकाउंट से $400 मिलियन डिक्री का जो खर्चा आना है बनाने का, वो बना डिक्री बनती है ना पूरी, सब कुछ उसमें ऐड करेंगे वो लोग। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे और आप सब भी। और फिर उसके बाद मैंने हलवा बनाया, आटे का हलवा बनाया, खाया आराम से, मुँह मिटाया। आप लोग भी हलवा बनाइए, अभी उठिए जब वीडियो देखें तब बनाइए, मुंह मीठा कीजिए, नहीं है चीनी खाइए। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ठीक है, ये एक्चुअली क्या था कि सिंस द 1947 इट वाज ओनली अ प्रोपेगेंडा टू सेपरेट लैंड इन नेम ऑफ रिलीजन। While this took a land in name of Islam and Muslim, but there is nothing which is related to Islam. But somehow and somewhere, they try to pretend as a Muslim. But there is each and everything is illegal, like narcotics, like weapons, like terrorist organizations. They are using that land to just fulfill their pockets, and the politicians was there use the political lobby just to earn money and go out to enjoy their facilities, like Nawaz Sharif family used to go London, Imran Khan used to go California, and so many others. And so some of the person wants to be in there in the occupied land, POK, was illegally they occupied. And ICJ considered my arguments that while Mr. Maharaja Hari Singh is a Hindu, how it could be possible a Muslim can be file a case to we get rights to as an owner. So it is not easy. It is not easy to cheat ICJ. It is a kind of cheating. And now they are saying that they don't want to say anything and they don't want to raise any argument. I don't have any care. What is your thinking? I have an NF army to shut down every news channel, and we will start running, and where it's up to your wish and desire where you want to go. Now if anyone is in from world wants to do a military operation to change the judgment, it's not possible. It's a waste of their time. They will waste their money, they will waste their energy, and definitely they will lose war with us. Means Indian Army is capable to reply them hard. Now the subject is that because of having some kind of stupid nature, like which is the thing which is not belongs to you, then why are you asking the property rights just because of having a power? Just you are showing a power of a knife. Just you are showing that you are heinous. Don't. No need. If you are saying that a Muslim will raise the question, now I would like to ask to Muslim also. What happened inside the Kaaba? Now where was the Muslims? It was just a propaganda to enjoy the thousands and thousands of women. Inside these kind of person, not because of Islam, but this is a practice of them. But what happened? What is happening here? What they are thinking? Because of the government of India, so many time created objection and said them that no, this land is not belongs to you. Then after some time, the researcher and analyzing wing asked me to work on this. I said it's very easy. So nothing, because Maharaja Hari Singh was a Hindu, and if Pakistan is claiming Kashmir, they have to show the argumental evidence first.
You are a Muslim. How could it possible a Muslim can claim a Hindu Raja's property? No way. Now if anyone wants to be a land in name of Islam and a Muslim, though, it is kind of a thing you are provoking rights. No, ICJ directly said that if anything happens related to a religious rights, it's really illegal. Then the Indian government has a full and flesh right to arrest them. Whatever is happening inside the Kaaba, and if someone is raising a voice here in India and igniting riots, definitely they should get arrested, and maybe the police will take a hard step. And secondly, then I changed the law. I changed the IPC Article 18 and changed the definition of Government of India. Definition of India. And earlier, in the definition, there was a directly written that Jammu Kashmir is not a part of India. Then I change it first, and I include Jammu Kashmir. Yes. No. Yoko is that when I'm saying a Jammu Kashmir, which it's a Jammu Kashmir. It's in who? What is a POK? POK is nothing. When I'm saying Jammu Kashmir, it's a Kashmir and Jammu. And Bangladesh, it belongs to us. Why should we create any other nation in name of Islam? And if Israel and any Abrahamic culture and the son of Abrahams wants to separate a land in name of religion, then definitely I will focus to other nation also. If you come here, I will fire ICBM to on your nation. Definitely. If Israel thinks so, by just a fake propaganda, they can be able to get Kashmir. Why? Kashmir belongs to us. Who are you? Your land is Israel. Go there. Now today China is facing a really a big problem. If China has a guts, then show the news what happened inside the Beijing airport. We show them power. Now Mr. Macron has a power and a guts, so tell them in media what we did inside the near to the Paris airport. We landed our C-17 directly without any permission. We have guts. Don't ever dare to threaten me. You don't know who I am. I have the biggest army in entire world. I own more than 96% property of entire world. Who are you? वो तो शुक्र मनाओ, मैं अभी सिर्फ इतनी सी बात कहकर मस्त हूँ. ज़्यादा दिमाग लगाया ना, 30 मिनट के अंदर सबका किस्सा निपटा दूंगा. समझ में आया ना? सोचते रह जाओगे. जैसे बीजिंग में अभी सब जो है छाती पीट रहे हैं. हुआ है कुछ? पता लग जाएगा. बीजिंग में छाती पीट रहे हैं सब चीन में. जाओ ले लो पंगे मेरे से. खाली करा ले आदम तो बीजिंग एयरपोर्ट खाली करा ले भाई. अगर है तो मैक्रोनी में फ्रांस में तो क्या कहते हैं फ्रांस में पेरिस एयरपोर्ट खाली करा ले मेरे से. करा ले देख, मैं भी देखूँ ना तो कितना बड़ा पहलवान है. मैं भी तो देखूँ फ्रांस की आर्मी कितनी बड़ी है. करियो जरा खाली मेरे से पेरिस एयरपोर्ट. देखो समझ रहा है? इनको 100 बार समझाया मैंने, कहा यार तुम अपने अपने देश संभाल लो. यार हमसे कहाँ पंगे ले रहे हो? यार हमसे कहाँ पंगे ले रहे हो? और नेटो की धमकी दे रहा है. मुझे क्या नेटो की धमकी दे रहा है? नेटो में 75% का शेयर होल्डर हूँ मैं. 75% शेयर होल्डर हूँ मैं नेटो में. बाइडेन क्या धमकी देगा मुझे नेटो की? यार दोगान पाकिस्तान क्या धमकी देगा मुझे नेटो की? 75% का शेयर होल्डर हूँ नेटो के अंदर. क्या बात कर रहे हो? लेने पंगे मेरे से, ले लो भाई. मैं कह रहा हूँ अगर फ्रांस में दम है मैक्रोने में, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की बात कर रहा हूँ, तो
तो मेरे साथ अपना अपना पेरिस एयरपोर्ट खाली करवा ले चल। पेरिस एयरपोर्ट हमने कब्जे में ले रखा है। JSR सिक्योरिटीज का नाम सुना है? वाह वाह, 100 बार समझा लिया मैंने। कहा मैं मोदी का ना झापड़ झूपड़ मार दूंगा इसके। ये एक लॉबी बना के बैठ गए, मैक्रोन है, जस्टिन ट्रूडो है, तुम्हारा व्लादिमीर पुतिन है, तुम्हारा ये क्या नाम है, जिनपिंग है, एक लॉबी सी मोदी है, बाइडेन है। क्या हुआ, इकट्ठे हो रहे कर G20 करेंगे। मैं कराता हूँ तुम्हारा G20 मैं करियो खाली अब मेरे से। मैं कह रहा हूँ जिनपिंग अपने घोड़े दौड़ा लेगा ना तो नहीं खाली करा सकता। बीजिंग एयरपोर्ट मेरे पास है, ले कर ले क्या करेगा तू बेटा, बॉर्डर की तरफ आएगा, हम तो वहीं बैठे हैं बीजिंग में। ही हो जरा फ्रांस जो है नेटो की धमकी दे रहा है बाइडन। बाइडन तुझे पता भी है वॉशिंगटन एयरपोर्ट पे किसके बंदे हैं? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा है? अरे मैं यार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अपना दोस्त मानता हूँ, तो फिर बाइडन का दिमाग में खुजली हो रही है। तो करियो खाली तेरा मेरे से तू वॉशिंगटन एयरपोर्ट करियो जरा। अबे इंडिया से बाहर मेरी इंडिया के अंदर JSR सिक्योरिटीज वाले कुछ बोलते नहीं है सर, कोई बात नहीं। इंडिया से बाहर ना कभी जरा JSR सिक्योरिटीज वालों से पंगा लियो जरा, ले तो सही जरा JSR सिक्योरिटीज से पंगा इंडिया से बाहर। तो मैं कह तो रहा हूँ लेके तो देख एक बार, कोई हो तू, कोई हो कोई, तू बाइडन है, तू एर्दोगान है, तू चिडो है, तू मैक्रोन है, तू पुतिन है, तू कोई हो, कोई हो तू, एक बार तू JSR सिक्योरिटी से ना इंडिया से बाहर पंगे ले ले। मैं कह रहा हूँ भारत में भी CISF है, NSG है, CRPF है, दिल्ली पुलिस है, इंडियन आर्मी है। सर आप बॉर्डर पार बाहर जा कर के जो है ना, आप किसी और देश की आर्मी बनकर जरा JSR सिक्योरिटीज से पंगे ले लेना, फिर बता देते हैं आपको हम लोग ऐसा। समझ में आई? मैं कह तो रहा हूं मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज है, और मैं कुछ नहीं कह रहा किसी को। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। अब अगर इसके इसके बस की है इसराइल की, बच के दिखा दे मेरे से। अभी अभी तो इंस्टॉलेशन चल रही है बेटा, जब फायरिंग शुरू होगी ना चीन को ही पता लगेगा बेटा। जब फायरिंग शुरू करेंगे ना फिर देख क्या करते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई साहब मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। भाई बिजनेस तो हर कोई करता आया है, समझ में आ गई ना? मैं कह रहा हूं अगर इंडियन आर्मी वाले ना हो ना मोदी के साथ, इसको इसका 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 बाप इसकी माँ भी नहीं बचा सकती। मेरे बंदे ना खड़े खड़े चुपचाप देखते रहते, कह रहे यार इंडियन आर्मी वाले हैं यार, क्या बोले यार इनको। हाँ नहीं तो 2 मिनट में इनको इनकी औकात बता दे, 2 मिनट के अंदर जितने बीजेपी, 2 मिनट में इनकी औकात बता देंगे। 2 मिनट के अंदर। अबे हम उसको तो कुछ समझते नहीं, पुतिन को, रूस को, बाइडन की दिमाग में खुजली हो रही है। देखो 100 बार बोल दे, तू जानता नहीं है मैं अभी। समझ में आ गई? तो ज्यादा दिमाग मत लगाइयो अगर यहां असेट एक्टिवेट करी किसी ने तो। कोई हो तू कोई, मैंने कह दिया ना भाई तू कोई हो इंडिया से बाहर। भाई साहब बुरा मत मानना, इंडियन आर्मी है, भले आप काम कर रहे हो, मैंने हायर कर लिए लड़के। अब इन लड़कों से पंगे लेना जरा, आप में से कोई छोटे, मैंने अभी इंडियन आर्मी से हायर किए है ना 57 लाख करोड़ लड़के एक लिए हैं, 37 लाख करोड़ एक है, और कोई 25
57 लाख 1, 37 लाख 1 और 68 जो मंगा रहे हैं, मतलब ये कोई डेढ़ करोड़ के लगभग इंडियन आर्मी। मैं कह रहा हूं सर, वो 10 दिन बाद जब वापस आएंगे ना, आप पंगे ले लेना उनसे, कोई हो भाई तू मोदी, वो बताएंगे तुझे आर्मी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी किसे कहते हैं। अब ये लड़के गए ना तो 37 लाख और 57 लाख, बेटा वहां एक लाइन है, उस लाइन के उस पार होते ही JSR सिक्योरिटीज है, वो बताएंगे बेटा तुम्हें ड्यूटी कहते किसे हैं, समझ में आ गई। और यूनिफॉर्म ऐसे नहीं चलता, तुझे सोच रहा हो सब कुछ चेक हो जाता है, फिर रगड़ाई होती है, समझ में आ गई। फैसिलिटी पूरी है पर ट्रेनिंग में कमी, एक बंदा नहीं मरने देते हम, एक बंदा कि JSR सिक्योरिटीज का बंदा मार दोगे, अच्छा जी भाई साहब जहां से कहोगे वहां से उठा लाएंगे बंदे को, जहां से कहोगे। जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो कोर्ट का प्रोसीजर है। ये भाई साहब ये जो यहाँ जो ये जो बना फिर रहा है ना, ये बार बार जो SPG चला रहा है, मैं कह रहा हूँ राकेश अस्थाना ये जानता नहीं है कि JSR सिक्योरिटीज वाले जो है ना कितना खून का घूंट पी के बैठे हैं, समझ में आ गया, आपको अंदाजा नहीं है। इतना इतना तगड़ा खून का घूंट पी के बैठे हैं ना वो, इनको देख करके कह रहे यार इनके हिंदी समझ नहीं आ रही क्या इनके। पहली लाइन के अंदर आते ही अगर बंदे दिमाग लगाते हैं ना, बाहर निकाल देते हैं, चल हट वापस जा। ये भारत में जो नेता लोग समझ रहे हैं ना, इनको इतनी बात समझ नहीं आ रही यार, जब मैं सरेआम बाइडन की मां चुदवा दे रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, लंड नहीं समझ रहा मैं पुतिन को और इंडिया से बाहर किसी नेताओं को, मेरे बंदे छुटते ही गांठ पे लात मारते हैं इनकी, ये फिर मां चुदवा रहे बहन के लंडे आते। बात पता है क्या होगी इनके लिए, तो सिचुएशन वैसी ही है जो माँ की लोड़े ज्योति, ये क्या नाम, नहीं क्या नाम है इसका, द्रौपदी मुर्मू, पता नहीं कहाँ से बहन की लोड़ी उठा लाया, भोसड़ी की छिनार इसकी माँ के चोद बहन के लंडों की। मैं बताता हूँ ना तुम्हें ज्यूइश कहते हैं किसे, इसराइल की देखो कैसी बहन चोदेंगे हम बनाएंगे तुम्हारा ज्यूइश, तुम्हारा बहन के लोड़ो या चूहे का जो बिल है ना, ये जहाँ ये चूहे छुपे हुए हैं माँ के लंड कुत्ते के बीच, हाँ इसराइल की बहन चोदेंगे अब हम, अब हो जाएगी 10 दिन में वॉर खत्म है रूस की, 10 दिन में खत्म कर देंगे पूरा, इसकी माँ ही चोद देंगे बहन के लड़की, जब माँ चुदा भोसड़ी कहते हैं, ठीक है 10 दिन में वॉर खत्म करनी है, माँ चुदा ना बहन के लड़, न्यूक्लियर दाग हाइड्रोजन दाग जो मर्जी कर बहन चोद दे इनकी, जा छूट है। अब अगर इन माँ के लोड़ों को सरेआम ना बहन के लड़ों की गांड में सरिया डाल के मुँह से निकाला, एक बार जरा पाकिस्तान क्लियर करने दे, अब इन बहन के लंडों की मां चोदने दे, सब देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे रोज देख रहा हूँ, मैंने इसलिए पूरी JSR सिक्योरिटी उतार रहा हूँ मैं पाकिस्तान में, डिग्री ली है भाई साहब $400 बिलियन की, कॉन्ट्रैक्ट भी है मेरे पास, पाकिस्तान आतंकवादी देश में आ गया है, इसकी माँ की चूत बहन के लंड इमरान खान की, इसकी गांड में अगर गर्मा गर्म सरिया डाल के मुँह से नहीं निकाल दिया ना, ये जानता नहीं है अभी धरती पर बुराई काम जाएगी। मैं तो डिग्री के इंतजार में था, डिग्री हो गई, माँ चुदाओ पैन के लंडो, अब अपनी माँ चुदाओ भोसड़ी वालों तुम, समझ में आ गई, अब तुम अपनी माँ चुदवाओ जाकर के बहन के लंडो, इन बहन के लौड़ो का वो असर करेंगे ना हम, तुम रुक जाओ गांव के लौड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है, बोला ना प्रेजेंट 3760 में, रिकॉर्डिंग चलाओगे, जिंदा रहोगे तब तो है? तुम देखो तो सही, तुम्हारी कैसी भेड़ चोदता हूँ माँ के लोड़ो। ले ली मैंने भाई डिग्री, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 नंबर पे लिए बेटा। तुम कौन हो भोसड़ी वालों? करंट अफेयर एकदम अभी हाथ के हाथ की बात चल रही है। माँ के लोड़ो बाद में न्यूज दिखाओगे कैसे? बाजवा है, सुन तो ले, बाजवा है, इमरान खान है, ये माँ के लोड़े जितने हैं ना भोसड़ी वाले, एक एक की बहन चोदेंगे भी, ये इमरान खान का भाई है शायद। मार बहन के लड़ो को जेल में, पुलिस मैंने बदली है बहन के लंडो, क्या बात कर रहे हो? समझ में आ गई? JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड 946 इंटरपोल का नंबर मिला भाई हमें, क्या बात कर रहे हो तुम? इंटरपोल का नंबर मिल गया हमें 946 JSR सिक्योरिटीज को, समझ में आ गई? ये माँ के भोसड़े में आग लगा देंगे हम, इन बहन के लंटों की गांड में गर्मा गर्म सरिया डाल के मुंह से नहीं निकाला ना कर, मैं बढ़ाता हूँ तुम्हारा बहन के लोड़ा भोसड़ी वाला। तुम्हें कश्मीर चाहिए ग्रुप है, हैं? रुको, तुम्हारी माँ की चूत बहन के लंटो, चूतिया समझ रहे हो क्या तुम, हैं? चूतिया समझ रहे हो क्या तुम? ये बाजी हमने जीती और ये शो किया मैंने, जी हाँ, पूरा का पूरा सेट ऑफ एस तैर, डिक्री ले ली, डिक्री बहन के लंडो, कुत्ते के बीजों डिक्री ली है, डिक्री डिक्री समझता है, मालिकाना हक ले लिया मैंने। अर्मेनिया, अजरबैजान, जम्मू कश्मीर, बहन के लोड़े भोसड़ी के आतंकवादी, इनकी माँ की चूत। बात सुनो, JSR सिक्योरिटीज चारों तरफ से घेरो इस रीजन को, चारों तरफ से भगना नीचे इनमें से माँ का लोड़ा भोसड़ी वाला, सब यही माँ चुदवाने आ रहे हैं, भगियो मत इमरान खान, समझा? तो रुख सोई, बाकी चूत तेरी बहन के लंड, भगियो मत, मैं उतार रहा हूँ बेटा JSR सिक्योरिटीज पाकिस्तान में, बहन के लोड़ो नेशनल ज्योग्राफी बना दूंगा, नेशनल ज्योग्राफी, मैं अपने क्षेत्र में कुछ भी करूँ, माँ चुदा ना बहन के लड़, पाकिस्तान चाहिए बाहर निकल लें यहाँ से, ईरान की तरफ से रास्ता खोल दे, चुपचाप निकल जाओ वहां से, चुपचाप हाथ खाली झाड़ सब और निकल ले चल। ये बहन के लंडो, तुम्हारी माँ की चूत में ना गरम गरम सरिया डाल के बहन के लंडो मुंह से निकालूंगा एक एक के, आतंकवादी हो तुम, हैं? ICJ के ऑर्डर नहीं सुनाई दिए तुम्हारे को? ओ बहन के लंडो मोदी, चलो ए, गुजरात में फायरिंग चालू करो, सुबह 8 बजे से फायरिंग चालू होगी, तेरी बहन की चूत माँ के लोड़े, पागल समझ रहा तू, हैं? कश्मीर दे देगा और हम छोड़ देंगे तुझे, क्यों बे, हैं? माँ के लोड़ा भोसड़ी वालों, तुम्हारे हिंदी समझ नहीं आ रही ना, मैं बताऊंगा ना हिंदी कहते किसे, ईरान की तरफ से बॉर्डर खोल दे, चले निकल लो, जिसको अपनी जान प्यारी है, कोई हो तू, कोई चल चल चल, फिर POW नहीं पकड़ते हम, चले चल खाली कर, समझ में आ गई ना, 48 घंटे का समय दे रहा हूँ, चलो निकलो बहन के लंडे कुत्ते के बीच, इमरान खान रख, तेरी माँ का घोसड़ा, माँ की चूत बहन के लंडे की साला, गंदगी की पैदाइश, वहां बहन के लड़ेगा इनको, माँ का भोसड़ा मारा, इसकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं बहन के लंड साले कुत्ते के बीच, धरती पे कलंक है माँ के लोड़े भोसड़ी वाले, आयशा पकड़ेंगे भोसड़ी के, बहन बहन के लंडा हुआ सबको, भोसड़ी के गंदी नाली की पैदाइश, बहन के लंड तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, फायरिंग तेज करो ए, रूस में खत्म कर, 10 दिन के अंदर मामला, उतार JSR सिक्योरिटी और उतार पाकिस्तान में, रगेदा सबको,
अरे चूतिया समझ रहे बहन के लंडे घोसड़ी के, न्यूज मीडिया की ताकत दिखा गो मेरे को, इस बहन की लोड़ी को उठाए, कौन है वीओन वाली, जेएसआर सिक्योरिटीज, उठा इसको, उठा के फेंका कहीं भी, गंदे दिमाग की है, उठा इसको यहाँ से, कौन है ये, बात करने की तमीज नहीं है इसे, 100 बार कह दिया इसको, 100 बार कह दिया मैंने, फिर दिमाग लगा रही है, क्या दिखा रही है, क्या सिखा रही है, सबको यहां से, अरे पागल समझ रहे हैं भोसड़ी के, उठा गया बैग सब मोदी वोदी को, बैंड के लंडो को इंडिया से बाहर चले, चल चल तेरे वाला भारत नहीं, चले आते बैठ बैंड के लंडो को, चले कौन है इसके साथ सिक्योरिटी वाले, ले बैंड के लंडो को ना, हरामियों को